बिल्कुल, आई एम कंप्लीटली इन अग्रीमेंट विथ यू ऑन दिस टॉपिक. इनफैक्ट वो सिर्फ देखिए दो बातें हैं. लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. जैसा कि आपने कहा कि उसको एक हवा बनाया जाता है या उस शास्त्रीय संगीत को लेकर एक हमारे दिमाग में एक बिगनेस है, एक ऐसा बिगनेस है कि लोग उससे डर जाते हैं कई बार. तो मैं इसको दो तरीके से देखना चाहती हूँ और दिखाना भी चाहती हूँ कि वैसे तो कोई भी चीज, कोई भी सब्जेक्ट, अगर आप उसको डेप्थ में, उसके डेप्थ में जाइएगा तो वो ग्रेट ही होता है. बिल्कुल. इट्स नॉट ओनली अबाउट म्यूजिक. आप स्पोर्ट बैकग्राउंड से आते हैं, आप स्पोर्ट जर्नलिज्म करते थे, तो स्पोर्ट्स के अंदर भी वो बात है क्योंकि वो एक स्किल से जुड़ा हुआ है. और स्किल जहां जैसे ही आपको स्किल पॉलिश करने की बात आती है, तो इनफैक्ट अभी ओलंपिक्स भी चल रहे हैं, तो मैं जब पीछे जब वो शुरू हो रहा था और मैं एक आध इंटरव्यूज देख रही थी, तो कोई बहुत ज्यादा अलग नहीं है स्पोर्ट का जो कि जो वो तैयार, क्योंकि इट्स अ वेरी बिग स्टेज ओलंपिक्स, उसकी जो तैयारी है उसमें जो बातें हो रही थी वो मुझे अपने गुरुओं के बातों से कोई अलग नहीं लगी. सेम टू सेम वही चीजें कह रहे हैं, स्किल, टाइमिंग, प्रैक्टिस, वेरी वेरी हाई लेवल ऑफ डिवोशन, फोकस, अटेंशन, ये ही तो चीजें हैं. और अगर आप देखेंगे सही मायने में तो ये चीज है तो बहुत बड़ी चीज है. ठीक है, जो 99% लोग अपनी जिंदगी में जो भी फील्ड में हो वो अचीव नहीं कर पाते हैं एट अ हाइटेंड लेवल. इसलिए वी आई मीन देर इज एवरेज एंड देन देर इज एक्सेलेंस. एक्सेलेंस इज नॉट समथिंग विच इज ऑर्डिनरी, एक्सेलेंस इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी. लेट अस एक्सेप्ट. सो दैट इज पॉइंट नंबर वन. तो सिर्फ शास्त्रीय संगीत नहीं, अगर मैं बॉलीवुड या मेन स्ट्रीम सिनेमा संगीत की भी बात करूं, अगर आपको एक्सेल करना है उसमें तो इट इज अ टफ गेम, इट इज अ लंबी रेस एंड इट इज नॉट अ मोमेंटरी थिंग कि आप एक साल में हो जाएगा जी, दो साल में हो जाएगा जी, हो गया जी. वो हो कभी नहीं जाता. वो एक फेज होता है जब आप उसको हाइटेंड लेवल पे ले जाते हो, फिर वो एक्सेल करता है और उसके बाद एक फिजिकल डिप आता ही है बिकॉज एवरीथिंग दैट कम्स अप गोज डाउन. तो वो एक ग्राफ बनता है. ये हो गई पॉइंट नंबर वन. दूसरी जो बात आपने कही उससे मैं सहमत हूं कि इस चीज को हमें शुरू से ही हमें ये बताने की जरूरत नहीं है जी कि आसमान बहुत बड़ा है और वो एक्चुअली मीनिंग टू से कि जब हम एक बच्चे को समझाते हैं कि दुनिया गोल है और तो हमको हम उसको शुरू से नहीं ये बताने लगते कि ग्रेविटी क्या है. उसको जरूरत नहीं है बताने की. ठीक है, हम उसको क्योंकि उसको तो एक्चुअली समतल जमीन दिख रहा है, उसको अगर हम कह भी देंगे कि अर्थ इज राउंड तो उसको पहले दिन समझ नहीं आएगा. और ये बात मैं क्योंकि मेरे घर में बच्चे हैं मैं जानती हूँ. 2-2.5 साल की थी मेरी नीस, तो उसने ही भी मुझे पूछा था कि अगर गोल है तो ये जो पानी वाला एरिया है चाची, उसमें से पानी नीचे गिर क्यों नहीं रहा. ठीक है, तो अब बच्चे के मन में आप देखिए कि वो जो ग्रेविटी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसका प्रश्न उसके दिमाग में 2.5 साल में आ गया. आ गया बिल्कुल. ठीक है, तो वो जो एक इनॉर्मस सवाल है, वो सवाल इनॉर्मस है, उसका जवाब भी बहुत इनॉर्मस है. जरूरी नहीं है कि मैं 2.5 साल में उसको ग्रेविटी, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन समझा पाऊं, क्योंकि समझाने है ही नहीं, वो नहीं समझा सकते. तो उसको स्टेप बाय स्टेप ही मुझे वहां तक लेके जाना पड़ेगा. ठीक है, तो शास्त्रीय संगीत में भी वो जरूरी है कि वो है तो बड़ी बड़ी चीज, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जब हम उसकी शुरुआत करें तो लेट अस मेक इट इजी, लेट अस मेक इट स्टार्ट फ्रॉम द फंडामेंटल्स. क्योंकि शास्त्रीय संगीत है क्या, अल्टीमेटली वो सारेगामा पद नहीं है. और शास्त्रीय संगीत की बात नहीं, कोई भी संगीत आप दुनिया में ले लीजिए, इन्हीं 12 स्वरों में ही वो घूम रहा है, उसके बाहर तो नहीं है, 13वां तो कुछ है ही नहीं. तो फंडामेंटली तो आपको वो समझना ही पड़ेगा. तो वी कैन ट्राई एंड री इन्वेंट द प्रोसेसेस कि कैसे हम उसको दे रहे हैं और किस तरीके से हम. इनफैक्ट अब तो और भी ज्यादा वर्चुअल स्पेस के अंदर आप देखिए इकोसिस्टम कितना चेंज हो जा रहा है. जो पहले के जमाने के लोग सोचते थे कि हाँ ये है बहुत बड़ी चीज है तो इसमें हमेशा माहौल वैसा रहना चाहिए, तो गुरुकुल होते थे, उसमें डे एंड नाइट अगर बच्चा संगीत सीख रहा है तो वो तानपुरे की आवाज से उसकी नींद खुल रही है और वो सोने भी जा रहा है तो कोई बड़ा आदमी रियाज कर रहा है उस उन स्वरों में वो सोने जा रहा है. तो वो दिन तो अब रहे नहीं. मैं उठती हूँ मेट्रो के चलने के शोर से. तो अब हमारा इकोसिस्टम भी चेंज हो चुका है. तो व्हाट आर वी सब, व्हाट इज आवर
रिस्पॉन्सिबिलिटी एज पीपल हु हैव गॉन थ्रू दिस प्रोसेस. और मैंने बहुत अच्छे प्रोसेस में भी संगीत सीखा, जहाँ पे मैं अपने गुरुजी के घर जब जाती थी, जमशेदपुर की बात वापस करती हूँ, हफ्ते में एक ही दिन का क्लास हुआ करता था मेरे, लेकिन मेरे को गुरुजी बोलते थे तुम रोज क्या करती हो, शाम के समय क्या करती हो, तो वही होता था कि खेलकूद, ये तो खेलकूद से थोड़ा आ जाया कर, उन्होंने इतना ही कहा. हो सकता है कि उनसे 50 साल पहले उनके गुरु ने उनको ये भी ऑप्शन भी ना दिया हो, बड़ा स्ट्रिक्टली बोला होगा कि यहीं बैठो, बिल्कुल, क्योंकि वो थोड़े से और प्रोग्रेसिव थे, तो उन्होंने बोला कि देख लो अच्छा लगता है तो आ जाया करो. तो व्हेन यू गिव फ्रीडम टू अ पर्सन, दैट पर्सन आल्सो हैज टू बी रिस्पॉन्सिबल इकोसिस्टम के. मुझे लगता है मेरे गुरुजी बहुत प्रोग्रेसिव थे और मेरे सारे गुरु बहुत बहुत भगवान की दया से बहुत प्रोग्रेसिव रहे. कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये संगीत छोटा है, ये संगीत बहुत बड़ा है, नहीं. आज 7th स्टैंडर्ड में मैं होती थी, मेरे क्लास के बाद गुरुजी, वो चित्रहार उस वक्त चलता होता था, तब हम लोग बहुत छोटे थे, 90s की मैं बात कर रही हूँ, तो वो मुझे कमरे में आके, देखो ये झांझरिया उसकी झनक गई, वो उसमें भी तारा रा रा, तारा रा रा, तो पूछते थे टोंकी नहीं ये किस, क्या लग रहा है, कौन से राग में हो गई. तो ये उनका, इतने वो प्लेफुल थे. तो यू हैव टू मेक थिंग्स मोर एक्सेसिबल, ये किसी भी फील्ड में मुझे लगता है. लेकिन एट द सेम टाइम गुरु हमेशा यही चाहते हैं कि उस चीज की सीरियसनेस को हम समझे, क्योंकि ये कला है तो बहुत फाइन, ये फाइन आर्ट है. देखिए उस आर्ट के पहले फाइन शब्द भी, और फाइन का मतलब होता है महीन, तो जितना महीन वो होगा उतना डिटेल्ड होगा वो, और जितना डिटेल अगर आपको देखना है, उस डिटेल बारीकी को अगर आपको पहचाननी है, आपको थोड़े पापड़ तो बेलने ही पड़ेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं. काना उसे न देखो सैया, उसे न देखो सैया, लाज से लाल लाल हो जाऊं जी, काना उसे न देखो काना उसे न दे देखो सैया जी. कहानी तो इतनी इंटरेस्टिंग है सर उसकी, कि मैं कितनी बार भी दोहराऊं वो उतना ही मिराक्यूलस रहेगा मेरे लिए जिंदगी भर. जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इन सब चीजों पे हमारा जोर नहीं होता, और खासकर मेरा तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मेरा रुझान जैसे कि मैंने पहले ही बताया शास्त्रीय संगीत की तरफ बहुत ज्यादा था. हालांकि आफ्टर विनिंग सारेगामापा आई डिड ब्रॉडवे शोज एटसेट्रा, वहां जाके एक्चुअली मुझे एक रियलाइजेशन हुई कि ये जो संगीत है अच्छा बहुत है, जजमेंट नहीं है उसमें कुछ, इट्स ब्रिलियंट, देर इज अ लॉट टू लर्न ऑल्सो. क्योंकि माइक के पीछे गाना और मतलब स्टूडियो के अंदर और माइक के पीछे लाइव गाना, ये दोनों बहुत अलग कलाएं, अलग चीज है, बिल्कुल बहुत अलग, एक ये दोनों अलग फील्ड्स हैं, क्षेत्र अलग है, ठीक है. तो वो क्योंकि उससे भी मेरा उससे भी मैं रूबरू हुई, तो मुझे समझ में भी आने लगी वो चीज. लेकिन इन दैट होल सिस्टम ऑफ ब्रॉडवे शो टूर्स दैट आई वाज डूइंग, मुझे एक चीज लगी कि वो लिमिटिंग था, उसमें मुझे ग्रोथ नजर नहीं आई. और मुझे निरंतर चलती हुई चीज अच्छी लगती है, जिसमें कंटिन्यूटी हो, जिसमें एवरी डे यू कैन बी बेटर देन यस्टरडे. एंड ख्याल एंड शास्त्रीय संगीत गिव्स यू दैट प्लेटफॉर्म फॉर लाइफ, सो दैट्स व्हाई आई चोज दैट ओवर लाइट म्यूजिक. और मैं एक्चुअली ये शब्द भी इस्तेमाल नहीं करना चाहती हूँ लाइट, क्योंकि लाइट कुछ नहीं होता, एवरीथिंग हैज इट्स ओन ग्रेविटास. और ये क्योंकि मैंने मेनस्ट्रीम सिनेमा में भी गाना गाया है, इस बात को मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ. सो कमिंग बैक टू द स्टोरी ऑफ रफू, के मेरे एक स्टूडेंट थे शांतनु घटक, जो मुझसे गाना सीखते थे, और ही इज द कंपोजर एंड राइटर ऑफ द सॉन्ग. तो उन्होंने एक्चुअली फिल्म में उनका एक छोटा सा रोल था, और खैर वो तो बहुत बाद में आया, पहले वो मेरे 2015 में मेरी उनसे मुलाकात हुई, वो एज अ स्टूडेंट मुझे मिले,
और ही इज अ ब्रिलियंट कंपोजर, वो मुझे कुछ 2-3 महीने में पता चल गई बात। जैसे होता है कि अब जैसे गुरु शिष्य की परंपरा में देखिए अब कितनी अलग चीजें हो गई हैं कि वो मेरे हम उम्र है, मुझसे थोड़े बड़े हैं, 4-5 साल बड़े ही हैं, लेकिन दोस्ती हो गई हमारी, अच्छी दोस्ती हो गई, क्योंकि म्यूजिकल एक्सचेंजेस जो होते हैं वो आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विथ हिज कॉम्पोजिशनल क्वालिटीज एंड केपेबिलिटीज। तो मैंने उनके लिए ऐसे ही एक दिन बात हुई हमारी और उन्होंने कहा मैंने ऐसे कंपोज वगैरह किया है तो आप गाएंगी, वो तो तब मुझे आपसे ही रेफर करते थे क्योंकि मैं उनकी टीचर थी। तो मैंने कहा सुनाओ, पहले तो मैंने उनको बड़ा जज किया, अच्छा तुम कंपोजर हो उस तरीके का, अभी तो 2 महीने से तुम गाना सीख लो, कंपोजर कैसे बन गए, वैसी वाली बात। तो उन्होंने मुझे गाना सुनाया एंड आई वॉज सो जैप्ड, मुझे लगा इतना खूबसूरत कंपोज करते हैं, ये क्या है, ये आमद है, ये तो सीख ही रहा है, ये क्या। तो उन्होंने कहा नहीं मेरा पास्ट है, मेरे फादर कंपोजर थे, मेरे दादाजी भी कंपोजर, उनके सचमुच ही कम्स फ्रॉम अ म्यूजिकल बैकग्राउंड। तो देखिए इसलिए मैं कह रही हूँ कि म्यूजिक एक गिफ्ट है, तो कब कौन कैसे कोई नहीं बता सकता, तो वो वाली बात है। तो मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी कंपोजिशंस और हमने तय किया कि चलिए एक एल्बम करते हैं, ऐसे ही विदाउट एनी मोटिवेशन। कोई खरीदने नहीं वाला था, कोई सुनने नहीं वाला था, कोई बेचने नहीं वाला था, कोई बिकवाने नहीं वाला था, हम शुरू हो गए जैसे कि काम करते हैं। तो किया वो हमने, और उस दौरान क्या हुआ कि हमने एक अभी सोशल मीडिया के वजह से इंस्टाग्राम में हमने एक छोटा सा स्निपेट भी डाला, एक गाना था उनका उसका। तो अब वो जो स्निपेट है वो फिल्म, जिस फिल्म में वो काम कर रहे थे उसको, ही इज अ स्मॉल टाइम एक्टर आल्सो, वो छोटे मोटे रोल्स करते हैं, एड फिल्म्स करते हैं वगैरह। तो वो डायरेक्टर ने देखा और कहा अरे शांतनु तुम ये क्या टाइम पास करने के लिए करते हो, कि आर यू सीरियस अबाउट कॉम्पोजिशन, बिकॉज आई लव दिस सॉन्ग, इट वॉज नॉट रफ, इट वॉज अनदर सॉन्ग। तो उन्होंने कहा सर आप मुझे ब्रीफ दीजिए, मैं कोशिश करूंगा। तो डायरेक्टर साहब से उनकी अच्छी दोस्ती थी क्योंकि उस फिल्म पे वो काम कर रहे थे, तो उन्होंने ब्रीफ कर दिया, वो मुझे साथ लेके गए कि सुरेश त्रिवेणी जी उनका नाम है, उनके घर गए हम और उन्होंने हमें ब्रीफ कर दिया कि ऐसी ऐसी कहानी है, ये मैरिज की कहानी है जो 13-14 साल की मैरिज है और उसमें अप्स एंड डाउन्स भी है, लेकिन वो एक बहुत खूबसूरत सा रिश्ता होता है क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजों के साथ जुड़ के एक पुख्ता रिश्ता बन जाता है 13-14 सालों के अंदर, और उसमें नॉट नेसेसरीली एक रोमांस का फज हो, लेकिन उसमें एक कंप्लीटनेस है, उसमें एक पीस है, उसमें एक इक्विलिब्रियम है, और वो बहुत सारी चीजों से जुड़ जुड़ के रफू हो के वो कपड़ा जो है वो जुड़ जुड़ के बना हुआ होता है। तो ये ब्रीफ था और उसके बाद उस ब्रीफ पे उन्होंने वो गाना लिखा और वो इतना खूबसूरत, just 2 days after that we went with that song and it was done and it came in the film and the next thing we knew was ki 6 mahine baad wo gana release ho gaya aur wo film fair mein nominate ho gaya, wo mera pehla gana tha film industry ke andar, ek gana maine usse pehle bhi gaya tha lekin wo khayal hi tha, wo shastriya sangeet se juda ek aankhon dekhi karke ek film aayi thi Rajat Kapoor saab ki jisme mera ek chhota sa gana tha, lekin mainstream film ke andar ek original track वो मेरा पहला गाना था और वो पहला ही गाना फिल्म फेयर अवार्ड में नॉमिनेट हो गया। तो ये अगर मिरेकल नहीं है तो क्या है, ऐसा मैं समझती हूँ, क्योंकि मेरी कभी इतनी इच्छा नहीं रही कि मैं प्लेबैक करूँ या गाए, मैंने छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स किए लेकिन जो आते थे वो जो एक प्लेबैक सिंगिंग का जो एक अपना जर्नी है, म्यूजिक डायरेक्टर्स को कॉल करना, कहना कि भाई मैं ये गाती हूँ, दीज आर माई स्ट्रेंथ्स, आई विल कम टू द स्टूडियो फॉर एन ऑडिशन, आई हैव नेवर गॉन थ्रू दैट प्रोसेस, never in my life. तो मेरे लिए तो it was like ये क्या हो गया, इस तरीके का एक कैसे कैसे धागों से बुनी है ये दुनिया, कभी धूप कभी बादलों की लड़िया, तूने सी है मैंने की है रफू ये डोरियां, तूने सी है मैंने की है रफू ये डोरियां, कैसे कैसे रागों से बुनी है ये दुनिया, कभी धूप कभी बादलों की लड़ियां, कुछ तूने सी है मैंने की है रफू ये डोरियां, कुछ तूने सी है मैंने की है रफू ये डोरियां। तो
ख्याली जायज जो प्रोजेक्ट है वो आपने जो इससे पहले एक बात कही थी कि एक्सेसिबल करना शास्त्रीय हाँ संगीत को, बिल्कुल ताकि लोगों का ये जो नजरिया है कि साड़ी में बैठ के और बिल्कुल ऐसा पद्मासन में सामने जो होंगे वो तबला वादक होंगे, स्वरवादिनी होगा, संवादिनी होगा, और एकदम सीरियस, ज्यादा हलचल नहीं, डांस नहीं करना है इस म्यूजिक पे, एकदम चुपचाप बैठ के, ये जो एक बना हुआ है हवा, मेरा भी एफर्ट यही था कि उस क्यों ऐसा तो कुछ कहीं दिखा नहीं हुआ। एंड इट इज एन इंटरप्रेटेटिव आर्ट, तो जैसे जैसे इवॉल्व होता जाएगा दुनिया, जैसे जैसे कॉन्टेक्स्ट जैसे जैसे बदलता जाएगा, शास्त्रीय संगीत भी अपने शेड्स बदलेगा, ऑब्वियस सी बात है। और ये बंदिशों के अंदर भी है, हम उस पर भी बात करेंगे अगर हमारे पास वक्त हो, कि पहले बंदिशें कैसी होती थी और मैं अपने बंदिशों में किस तरीके की चीजें कॉन्टेक्चुअली चेंज करना चाहती हूँ। आज हम विमेन एम्पावरमेंट की बातें कर रहे हैं, तो सास ननद मोहे देगी गारी इज इरेलीवेंट टू मी बिकॉज आई हैव अ वंडरफुल मदर इन लॉ, वो मुझे गालियां नहीं दे रही है, मैं अपने सज्जन से मिल सकती हूँ, तो मेरा कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है। तो अब मैं क्या गाना चाहती हूँ, अब मैं अपने शास्त्रीय संगीत में जब रोमांस कर रही हूँ तो मैं श्रृंगार रस को किस तरह से दर्शाना चाहती हूँ। मैं छुप छुप के नहीं मिलती हूँ अपने सजन से, मैं तो खुल्लम खुल्ला मिल रही हूँ अपने सजन से, तो मेरा कॉन्टेक्स्ट अलग है 2021 बिल्कुल के बिल्कुल अंदर। तो बंदिशों में वो टेक्सचुअली वो बात होनी चाहिए। एक्चुअली इक्वालिटी इज, आई मीन फेमिनिज्म इज एक्चुअली अबाउट इक्वालिटी, अगर आप देखें तो इक्वालिटी मतलब कोई किसी से कम नहीं है, एक पुरुष होने का अपना, इट्स एन एप्पल्स टू ऑरेंजेस, उसके अपने अपनी खूबसूरतियां हैं, क्वालिटीज हैं, और एक नारी होने की अपनी खूबसूरतियां हैं, क्वालिटीज हैं, कोई किसी के बिना कंप्लीट ही नहीं है। हम इस बात को कब समझेंगे, अब तो 5,000 साल हो गए, मतलब लेट्स मूव अहेड ऑफ दिस एंड लेट्स स्टार्ट सेलिब्रेटिंग मैनहुड, वुमनहुड, बोथहुड, इफ देर इज समथिंग इन बिटवीन देन दैट टू, बिकॉज देर इज, राइट? सो वी आर टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी लाइक दैट, तो वो एक बात हो गई। बट कमिंग बैक टू ख्याले जैज प्रोजेक्ट, इट वॉज एन अटेम्प्ट एंड एन एफर्ट टू मेक इट मोर पैलेटेबल, मेक इट मोर एक्सेसिबल, कि इसमें भी हेड बैंग हो सकता है बिल्कुल कि करना अखियों से न दे, करना अखियों से न दे, ये है माहौल, इसके अंदर भी वो माहौल है जहां आप एक ट्रांस में जा सकते हैं। जो हम मेटल म्यूजिक सुन के कई बार देखते हैं ना, लोग ऐसे हेड बैंग कर रहे हैं। मैंने अपने डोवरलैंड म्यूजिक कॉन्फ्रेंस के अंदर भी जाके देखा है कि लोग यूं यूं कर रहे हैं, ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं। जब अच्छा संगीत आपको अंदर से छूता है, निचोड़ता है, तो एक्सप्रेशन वही आने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि ध्यान जो है वो कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे ही हो, ध्यान ऐसे भी हो सकती है, धुनकी की तरह यूं झूम रहे हैं हम, अंदर से झूम रहे हैं। तो शास्त्रीय संगीत में भी वो है, उसके उसके पीछे वो हवा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है कि बिल्कुल शांत ऐसे, ऐसा कुछ नहीं। तो वो चीज, तो फ्यूजन के जरिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा शायद और यूथ को, बट आई ट्राई, आई वॉन्ट टू कन्फेस कि उसकी भी एक्चुअली जरूरत नहीं। क्लासिकल अपने आप में यूथफुल है, एनर्जेटिक है, वाइब्रेंट है, सब कुछ। और सोशल मीडिया के थ्रू ही मुझे ये पता चला है कि आज भी लोग शास्त्रीय संगीत को शास्त्रीय संगीत के प्योरिटी में सुनना चाहते हैं, चाह रहे हैं, बच्चे 6 साल के, 7 साल के, 10 साल के बच्चे। ऐसा नहीं है, ये हमारी सोच है, हमको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं ये शायद इंटरेस्टेड नहीं होंगे, ये सिर्फ बहुत एकदम हिप हॉप और रॉक में इंटरेस्टेड। नहीं, ऐसा नहीं है, सबकी अपनी अपनी टेस्ट है, और हमारा कंट्री तो इतना डाइवर्स है, सब चीज के लिए ऑडियंस। मेरी जो फॉलोअरशिप है इंस्टाग्राम की, वही आपको बताएगी कि कितने लोग इंटरेस्टेड है ख्याल में, शास्त्रीय संगीत में, और बहुत टूट के इंटरेस्टेड है, बहुत डिटेल में वो जाना चाहते हैं, ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं वो। वही वाली बात, 2.5 साल का बच्चा पूछ रहा है कि ग्रेविटी क्या है। तो है इस, ये संगीत एक्सेसिबल करने की जरूरत नहीं, ये चांद सूरज सितारों की तरह है, ये कभी खत्म नहीं होगा, और इसके पारखी तब भी रहेंगे। आज भी जो कवि है वो चांद सितारों की बात करेंगे, करेंगे वो,